हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ एक बेहतरीन पेनिसियर, जो दोस्तों बहुत ही शानदार, जानदार और दोस्तों दमदार पेनिसियर है ये। दोस्तों आप नाम देख सकते हैं, इस शेयर का नाम है कोविड टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, इतना शानदार शेयर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक पेनिसियर है, इसका जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1 रुपये 19 पैसे का। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो ट्रेडिंग होती है, जी दोस्तों इसके अंदर जो ट्रेडिंग होती है वो सिर्फ मंडे टू मंडे, यानी दोस्तों सोमवार को, सिर्फ सोमवार को इसके अंदर ट्रेडिंग होती है। उसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों अगर हम इसके हाई की बात करें, या दोस्तों अगर हम इसके हाई की बात करें तो इसका जो हाई बना था लगभग 150 रुपये, जी हाँ दोस्तों 150 रुपये का इसका हाई था। लेकिन दोस्तों आज यही शेयर आपको मिल रहा है 1 रुपये 19 पैसे के आसपास। और फ्रेंड्स अगर हम इसमें लो की बात करें तो इसका लो बना था लगभग 50 पैसे के आसपास का, सन 2019 का है, मई की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों है ना ये शानदार शेयर। इसमें दोस्तों जब खूबी आपको मालूम चलेंगी कि क्या इसके अंदर खूबी है, डेफिनेटली दोस्तों आप इस शेयर को बाय किए बिना नहीं रह पाएंगे। जैसे सबसे पहले इसमें जो नेगेटिव चीज़ चल रही है उसकी बात कर लेते हैं। अभी इस शेयर के अंदर जो ट्रेडिंग है वो सस्पेंड हो रखी है, बंद हो रखी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों कंपनी ने जो अपना एनुअल फीस होती है सेबी को सबमिट नहीं करी है, जिसकी वजह से इसके अंदर भी ट्रेडिंग, जो नॉर्मल ट्रेडिंग होती है वैसे इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो दोस्तों अभी इसके अंदर जो नॉर्मल ट्रेडिंग है वो स्टार्ट नहीं हुई है, इसके अंदर सिर्फ वीकली ट्रेडिंग होती है, मंडे टू मंडे। तो दोस्तों अभी जो कंपनी ने अपनी जो एनुअल फीस है, लिस्टिंग फीस है, वो पे नहीं की है। बट दोस्तों मुझे लगता है कंपनी अपनी जो लिस्टिंग फीस है वो बहुत जल्द सेबी को सबमिट कर देगी और इसके अंदर फिर से नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा ही कुछ इशू हमें विशेष इन्फोटेक्निक्स, यानी दोस्तों MPS इन्फोटेक्निक्स में भी देखने को मिल रहा था। बट दोस्तों जब उन्होंने लिस्टिंग फीस अपनी सबमिट करी उसके बाद उस शेयर में जो अपर सेल लगा और उसमें दोस्तों बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट में कमाया होगा। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कुछ फंडामेंटल की। अगर हम इसमें बुक वैल्यू की बात करें, या दोस्तों जो कंपनी का बुक वैल्यू है वह है 9 रुपये 71 पैसे का है। दोस्तों 9 रुपये 71 पैसे का कंपनी का बुक वैल्यू है। इसका हाई एंड लो की बात करें तो इसका जो लो बना था वो 75 पैसे का है और हाई 1 रुपये 20 पैसे के आसपास का है। फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू इसका 10 रुपये का है और मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप इसकी 1,26,00,000 की है। वहीं दोस्तों अगर हम इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, या दोस्तों सबसे मेन पॉइंट यही होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न किसी कंपनी में कितना है, प्रमोटर का और पब्लिक का। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि सितंबर 2019 में प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 26% के आसपास थी और वहीं दोस्तों जो पब्लिक की होल्डिंग थी वो लगभग 73% के आसपास थी। बट दोस्तों अगर हम बात करें तो कि जून 2022 में, या दोस्तों अगर बात करते हैं जून 2022 में प्रमोटर की होल्डिंग हो चुकी है 100% की। जो दोस्तों बहुत ही तगड़ा इसमें प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रखी है इसमें। जहां मार्च 2022 में प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम थी, वहीं जून 2021-22 में प्रमोटर ने अपनी टोटली, यानी दोस्तों 100% की इसमें होल्डिंग कर ली है। तो दोस्तों है ना एक बहुत ही बेहतरीन पेनिसियर, जहां पे आपको मिल रहा है 100% प्रमोटर की होल्डिंग इस पेनिसियर में। अब फ्रेंड्स हम आ चुके हैं कंपनी के वेबसाइट पर। कंपनी IT सेक्टर में काम करती है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि कंपनी किस चीज़ में डील करती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और बेहतरीन पेनिस के साथ। तथा फ्रेंड्स अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।